लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। पाकिस्तान आर्मी की ओर से बंदी बनाए गए भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है। भारत के आक्रामक रुख के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन की वापसी का फैसला लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को संसद में विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया था। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने भारत से एक बार फिर सबूत मांगा है। उनका कहना है कि अगर भारत ठोस सबूत देगा तो हम बेहद बीमार मसूद अजहर को गिरफ्तार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट था। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है और वो भारत आ चुके हैं। कुछ ही समय बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस खबर को लेकर पूरे देश में खुशी का लहर है। लोग जगह जगह पटाखे छोड़ रहे हैं तो कई लोग मिठाइयां बांटकर इस खुशी को बांट रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं।